जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि भारत का जो नामकरण है और जो भारत का नाम कैसे पड़ा, और फिर इसका अलग अलग लोगों ने, अलग अलग देशों के जो लोग हैं उन्होंने इसे किस किस नाम से पुकारा, और इसको भारत को, चूंकि भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है, जो भौगोलिक और सामाजिक रूप से कहीं न कहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भाषा संस्कृत के रूप में वो विभाजित है। अब जो आधुनिक संचार साधन हैं और जो शासन सत्ता का एकीकरण है, उसने भारत को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकता प्रदान करने का काम किया है। लेकिन प्राचीन काल में जब सीमित संचार साधन थे हमारे पास और उत्तर से दक्षिण के बीच दूरियां बहुत अधिक थीं, हम अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तक सीमित रह जाते थे। उस समय बड़ा प्रश्न था, जो भारत के मनीषी हैं उन्होंने सोचा कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता कैसे स्थापित किया जाए कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो भी लोग हैं वो इस भारतवर्ष का अपने को अंग माने, भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसे अपनी संस्कृति समझें, एक दूसरे के बीच सीमित संचार साधनों के बावजूद संपर्क बनाए रखें, क्योंकि जब तक संपर्क कायम नहीं होगा लोगों के बीच, तब तक सामाजिक और राजनीतिक एकता भी कायम नहीं होगी। इसी को ध्यान में रख करके जो प्राचीन भारत के जो हमारे विद्वान रहे, मनीषी रहे, उन्होंने कुछ प्रावधान उसी समय किए कि जब भारत में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वह पूर्ण रूप से स्थापित हुई, और जब यह स्थापित हुई तो उस काल को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, यानी प्राचीन काल कहते हैं। तो हमने बताया था कि सबसे पहला जो प्रश्न है हम लोगों का वो ये है कि हमारे देश का नामकरण, यानी जो हमारा देश है जिसे आप इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, यह नामकरण कैसे हुआ। तो कल हमने बताया कि जो भारतवर्ष नाम पड़ा है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और कुछ जगहों पर जैसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें एक विकल्प और आता है कि जो वैदिक कालीन एक कबीला था, एक वंश था, भरत वंश, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये सवाल पूछेगा कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो जो भी विकल्प होगा, चाहे वैदिक कालीन कबीला भरत वंश के नाम पर हो या फिर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हो, ये दोनों जो भी विकल्प आपको मिलेगा उसे चुन लेंगे। कल हमने बताया था कि भारतवर्ष की जो पहली परिभाषा है वह परिभाषा विष्णु पुराण में मिलती है, और विष्णु पुराण में जब मिलता है तो इसमें कहा गया है कि हिमालय से उत्तर और हिमालय से दक्षिण और समुद्र के उत्तर का जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, वह भारतवर्ष है, और यहाँ पे निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो भारती की संतान है। तो हमने देखा कि पहला जो परिभाषा है वो विष्णु पुराण से मिलता है भारतवर्ष की। दूसरी चीज़ हम लोग देखें कि भारतवर्ष जो शब्द है, यह शब्द पहली बार किस अभिलेख में उत्कीर्ण किया गया, ये बड़ी परीक्षाओं में कभी पूछा गया है एक आध बार, कि जो भारतवर्ष शब्द है हमारा, जो हमारे देश का नाम है भारतवर्ष,
ये भारतवर्ष शब्द पहली बार किस अभिलेख में उत्कीर्ण किया गया? तो जो अभिलेख है उसका नाम है खारवेल, यानी कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने एक अभिलेख बनवाया था, लिखवाया था, जिसे हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द उत्कीर्ण किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतवर्ष शब्द का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, यानी पहली बार किस अभिलेख में ये शब्द आया है। तो आपका विकल्प जो होता है वह होता है कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अब यहाँ अपने देश को जो भारतवर्ष है इसको आर्यावर्त भी कहते हैं, आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। अब आर्यावर्त शब्द जो आया है वो पतंजलि के महाभाष्य में उत्कीर्ण किया गया है, यानी लिखा गया है पहली बार आर्यावर्त शब्द का भारत के लिए प्रयोग पहली बार पतंजलि महाभाष्य में हुआ है। जम्बूद्वीप, यानी यहाँ पे एक शब्द है, भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, और जम्बूद्वीप भारत को बौद्ध साहित्य में कहा गया है। पुनः हम लोग देखें तो यहाँ पे एक जो भारत है, यानी इसके लिए अलग अलग जो अलग अलग जैसे जो भी मध्य एशिया की ओर से आए तो उसमें एक खासियत ये थी कि उनके रास्ते में एक बड़ी प्रसिद्ध नदी पड़ी भारत की, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। और इसी सिंधु नदी को जिस जिस नाम से उन विदेशियों ने पुकारा उसी से मिलता जुलता नाम हमारे देश यानी भारतवर्ष को उन्होंने दे दिया। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जम्बूद्वीप बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है, तो जैन अवेस्ता एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है जिसे हम लोग जान लें कि ये ईरानी ग्रंथ है, यानी ये ग्रंथ कहाँ का है, ईरान का है। और इस ईरानी ग्रंथ में, ये जो ईरानी ग्रंथ है ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, यानी पारसी जो धर्म है उस धर्म का ये बाइबिल है, यानी जो पारसिक धर्म है इस पारसिक धर्म का यह बाइबिल है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि पारसिक धर्म का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो जैन अवेस्ता नामक साहित्य है। और इस जैन अवेस्ता में भारत के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सप्त सिंधु क्यों प्रयोग किया गया है, इसलिए कि जो सिंधु हैं और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे जो सिंचित प्रदेश है उस प्रदेश को जैन अवेस्ता में सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। और हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु है और उसकी सहायक नदियां हैं वो भारत की अंग है। तो जो जिन इन नदियों द्वारा जो सिंचित प्रदेश है उसी को जैन अवेस्ता में सप्त सिंधु के नाम से पुकारा गया है। और जैन अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है और ये पारसिक जो धर्म है उसका बाइबिल कहलाता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि जैन अवेस्ता पारसियों का बाइबिल है और इसकी रचना ईरान में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई, यानी जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी से यानी सिंधु शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। अब ये जो इसी के आधार पर जो हिंदू शब्द है यानी सिंधु से जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है उसी हिंदू शब्द के आधार पर मुस्लिमों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। ध्यान दीजिएगा हिंदुस्तान। तो ये हमने देखा। अब कुछ चीनी यात्री हैं कि जो भारत की यात्रा पर आए
और उन्होंने अपनी अपने भाषा में, जैसे जो चीनी भाषा है उस भाषा में भारत को सीयंती कहा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें, आज थोड़ा सा अंदर की बात है। सीयंती, जो ये सीयंती है ये चीनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मंदिरों का देश। तो जो चीन के लोग थे भारत को मंदिरों का देश कहते थे। दूसरी चीज़, एक बड़ा फेमस यानी जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, चीनी यात्री ह्वेन सांग, बड़ा फेमस नाम है, ये सवाल पूछे भी जाते हैं आपसे। तो ह्वेन सांग, तो जो ह्वेन सांग है इसने भारत को इंतो शब्द यानी इंतो नाम से पुकारा और ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह भारत आया और भारत में ही रह करके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया। ध्यान दीजिए, वहाँ पे उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की नालंदा विश्वविद्यालय में, और पुनः बौद्ध धर्म की शिक्षा भी प्रदान किया यानी अध्यापक भी नियुक्त हुआ। और इसने भारत को इंतु शब्द पुकारा। इसके बाद इत्सिंग नामक चीनी विद्वान आया और उसने भारत को ब्रह्म राष्ट्र या आर्य देश कहा। तो ये हमने देखा कि जो भारत का नामकरण है। अब देखें कि यहाँ एक शब्द आता है इंडिया। इंडिया शब्द आता है कि इंडिया शब्द किन्होंने भारत को इंडिया नाम से पुकारा, ये प्रश्न आता है सीधे आपसे। जो इंडिया शब्द है, सिंधु नदी के नाम पर ईरानियों ने भारत को पहली बार दिया, यानी जो ईरान के लोग हैं, ईरानी लोग हैं, उन्होंने भारत को सिंधु नदी के नाम पर पहली बार इंडिया शब्द संबोधित किया, लेकिन ये शब्द प्रचलित नहीं हो पाया। तो बाद में देखें तो भारत पर जब हम आक्रमण देखेंगे, विदेशी आक्रमण, अगर भारत पर विदेशी आक्रमण करें देखें तो इसमें जो पहला आक्रमण होता है वो ईरानियों द्वारा होता है। अब अगर ईरानियों द्वारा होता है तो इन्होंने, ईरानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया, लेकिन ईरानियों के बाद जो आक्रमण होता है भारत पे, दूसरा आक्रमण, वो यूनानी आक्रमण कहलाता है, जो सिकंदर महान का आक्रमण होता है। और ये दोनों आक्रमण प्राचीन भारत में होते हैं, यानी पहला आक्रमण ईरानियों का होता है और दूसरा आक्रमण यूनानियों का होता है। तो ईरानियों को एक्सप्लाइट किए यूनानी, यानी जिन क्षेत्रों में ईरानियों का वर्चस्व था, प्रभुत्व था, उन्हीं क्षेत्रों में बाद में जो यूनानी आए, हम पढ़ेंगे जब आगे इतिहास तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो यूनानी आए तो उन्होंने अभी अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और जब प्रभुत्व स्थापित किया तो उन्होंने सिंधु नदी को, जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी को उन्होंने इंडोस नाम दिया। सीधे आपसे सवाल पूछता है कि सिंधु नदी को इंडोस नाम से किसने पुकारा, तो किसने पुकारा, यूनानियों ने। सिंधु नदी को यूनानियों ने क्या नाम दिया था, इंडोस, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। तो अब इंडोस नाम दिया जब यूनानियों ने सिंधु नदी को, तो इसी के नाम पर ईरानियों से उन्होंने शब्द उधार लिया, वह था इंडिया, और भारत को इंडिया नाम दिया यानी इंडिया कह के पुकारा। तो ये हमने देखा कि जो यूनानी हैं सिंधु नदी को इंडोस कहते हैं और उसी के आधार पर भारत को इंडिया कहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंडिया नाम दिया गया उस किसके द्वारा दिया गया, ईरानियों के द्वारा। पुनः ये पूछता है कि सिंधु नदी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो लैटिन भाषा में सिंधु नदी को इंडस कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों विकल्प आए इंडस और इंडोस तो यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, तो हमें याद रखना है कि जो लैटिन भाषा है उसमें
सिंधु नदी को इंडस कहा गया है, लेकिन जो यूनानी भाषा है इसमें सिंधु नदी को इंडोस कहा गया है। तो ये हम लोग देखे कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, भारतवर्ष हमने देखा कैसे नाम पड़ा, और फिर ये देखा कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, और सिंधु नदी को जो ईरानी हैं, यूनानी हैं, या जो अरब हैं, जो मुस्लिम हैं, वो किस किस नाम से पुकारते हैं। तो यूनान इंडिया सर्वप्रथम ईरानियों ने नाम दिया, और यूनानियों ने ईरानियों से उधार लेकर के फिर भारत को इंडिया कहा, और सिंधु नदी को इंडोस कहा, और लैटिन भाषा में सिंधु नदी को इंडस कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर रखिएगा अपना। अब देखिए कि हमने बताया ये तो नामकरण हो गया भारत का, लेकिन जो भारत है हमने बताया कि ये भौगोलिक रूप से प्राचीन काल में भौगोलिक रूप से ये भाषा और भूगोल की दृष्टि से ये बटा हुआ था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो उस समय के जो मनीषी थे उन मनीषियों के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि भारत को कैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एकता प्रदान की जाए। अब जब भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एकता प्रदान करने का जो प्रश्न उठा तो उन्होंने कुछ प्रावधान किया, और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग, चूँकि अभी यहाँ ध्यान दें कि पूरे प्राचीन भारत में चाहे जिस भाषा या जिस संस्कृत के लोग आए हों, आक्रमण किए हों, यहाँ बसे हों, यहाँ राज्य कायम किए हों, वो लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृत को छोड़ करके भारत की संस्कृत को अपना लिया, लेकिन चूँकि वो विदेशी थे और भारत की संस्कृत को अपनाए तो उसमें उनकी जो मातृदेश की जो संस्कृत थी उस संस्कृत का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा। तो जो भारतीय संस्कृति है, समाज है, ज्ञान विज्ञान है, उसको देखेंगे कि उसके विकास में विदेशियों की भी बड़ी भूमिका रही। लेकिन यहाँ पे भारत को जब भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता प्रदान करने की बात आई तो जो हमारे मनीषी थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, उससे कम 7 नदियों, यहाँ पर देखें 7 नदी शब्द आया है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो हिंदू हैं भारत के वह स्नान करते समय 7 नदियों का नाम लेते हैं, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। तो मनीषियों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, यानी पवित्र कर्तव्य, यहाँ ध्यान दीजिए, पवित्र कर्तव्य। जैसे आज हमारे संविधान में ये शब्द उल्लिखित है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्य हैं, यानी 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब चूंकि ये संविधान के द्वारा किया गया है, एक राज्य कायम है, एक संविधान निर्मित है जिसके आदेशों निर्देशों का पालन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, ये कानूनी बाध्यता है। लेकिन जिस समय आप कल्पना करिए कि जिस समय पूरे देश में एक कानून नहीं था, समाज इतना हमारा शिक्षित नहीं था, वहाँ पर अगर यह बात समझाई जाती कि प्रत्येक व्यक्ति का काम है, पवित्र कर्तव्य है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी नदियों की यात्रा करे और उनके पवित्र जल से स्नान करे, तो कोई सुनता नहीं। ऐसे में इसको धर्म से जोड़ा गया, और हम जानते हैं कि धर्म भी एक कानून की तरह है कि जो लोगों को कुछ कार्य करने के लिए चाहते
हुए और न चाहते हुए विवश करता है। तो प्राचीन जो मनीषी थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सात नदियों के जल से स्नान करे, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। अब ध्यान देंगे कि ये जो सात नदियां हैं इसमें दक्षिण, मध्य और उत्तर, ये जो भारत है उत्तर, दक्षिण और मध्य जो तीन भागों में डिवाइड होता है इतिहास की भाषा में, दक्षिण, दक्कन और उत्तर, इसको अभी हम देखेंगे क्योंकि एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार और काफ़ी वो क्लिष्ट माना गया, और उसी के आधार पर भारत में तीन तरह की संस्कृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तीन तरह के मंदिर देखने को मिलेंगे, तीन तरह के मने स्थापत्य आपको देखने को मिलेगा और समाज भी कमोबेश तीन तरह के आपको दिखाई देगा, दक्षिण, मध्य और उत्तर। तो इसमें जो नदियां हैं सातों नदियां, ये दक्षिण, मध्य और उत्तर में बहती हैं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि अगर इसको पवित्र कर्तव्य घोषित कर दिया जाए तो दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत की यात्रा करेगा और उत्तर भारत के का व्यक्ति दक्षिण भारत की यात्रा करेगा, और जब यात्रा करेगा तो दोनों जगह के लोग एक दूसरे की संस्कृति और भाषा के संपर्क में आएंगे और एकता महसूस करेंगे। इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था, इसलिए और आगे उन्होंने कहा कि सात पवित्र नगरों की यात्रा करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यानी मथुरा, माया, कांची, अवंती, पुरी, द्वारका और वाराणसी। यहाँ ध्यान दें, ये जो तीनों सातों नगर हैं ये भी दक्षिण, उत्तर और मध्य में स्थित हैं, और जब इन नगरों की धार्मिक महत्ता स्थापित की जाएगी या इनकी यात्रा को पवित्र कर्तव्य बनाया जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब लोग जाएंगे उत्तर के दक्षिण और दक्षिण के उत्तर आएंगे तो उनके बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता का विकास होगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने सात नदी, सात नगर और सात पर्वतों की यात्रा को पवित्र माना, यानी सात पर्वत। ये पर्वत आपके लिए सवाल नहीं पूछे जाते हैं लेकिन इनके नाम आपको हम गिना देते हैं, सात पर्वत। ये जो सात पर्वत हैं ये भी उत्तर, दक्षिण और मध्य में विभाजित है। वो जो सात पर्वत हैं महेंद्र, मलय, सह, सुक्तिमान, विंध्य, परयात्रा और रिच, यानी ये सात नदी, सात नगर और सात पर्वतों की यात्रा करना प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य माना गया भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए। उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है माया। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नगर है, तो माया हरिद्वार को कहते हैं। ये भी सवाल है कि माया किसे कहा जाता है, किसका नाम है, तो हरिद्वार का है, और हरिद्वार को जो माया नाम देने का काम किया था वो आदि शंकराचार्य ने, यानी जो शंकराचार्य हैं उन्होंने हरिद्वार को माया नाम दिया था। तो ये माया नाम किसका है, हरिद्वार का हमने देखा, और पुनः अब देखते हैं।